Assalamu alaikum. So Pakistan. we have another question. जी I'm a new mom. In current times of fitna, how to do tarbiyah of kids? Should we homeschool or should we do zero screen time or how to do tarbiyah? अब हम इंफॉर्मेशन एज में रहते हैं, अब हम इस एज में रहते हैं कि हर तरह का आइडिया, इंसान किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसके जहन में कोई भी सोच हो, वो अब इंटरनेट पे अवेलेबल है। हर कोई अपने ख्यालात का इजहार कर सकता है, कहीं से भी, आप भी और सारी दुनिया भी। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को इस वेव से बचा लें, पता नहीं कौन क्या बात कर देगा, उसके कान में पड़ जाएगी, तो आप इस बात को भूल रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया, भेड़ बकरी नहीं बनाया। और अगर आप समझ रहे हैं कि आप लिमिट कर दोगे इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, स्क्रीन टाइम लिमिट करना चाहिए, लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि आप किसी तरह अपने बच्चों को एक्सपोज होने से बचा लोगे, तो आप, आपको हकीकत का अंदाज़ा नहीं है। जब बच्चा स्कूल जाएगा तो एक्सपोज हो जाएगा, जब बच्चा बाहर जाएगा तो एक्सपोज हो जाएगा, जब अपने दोस्त के घर जाएगा तो एक्सपोज हो जाएगा, उसको कभी भी नहीं जा सकता। जी मैं लोकेशन ये है, यहाँ पे बैठा हूँ मैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को तैयार करने का बस एक ही तरीका है, अगर आप इस सवाल का जवाब अपने बच्चों को सिखा देना कि वो मुसलमान क्यों हैं, अगर उस बात का जवाब उन्हें गहरा जवाब आता है ना कि वो क्यों हैं, और ये इसका ये जवाब नहीं कि आपके अबू भी मुस्लिम हैं और इस्लाम हक है, इस्लाम हक क्यों है, कुरान अल्लाह का कलाम क्यों है, हमने अपना पूरा हमारी पूरी इस्लामी तालीम अरसे से पता है क्या बन चुकी है, क्या करना है और कैसे करना है, बस क्या और कैसे, क्या और कैसे, क्या और कैसे, नमाज क्या होती है, कैसे पढ़ी जाती है, हज क्या होता है, कैसे पढ़ा जाता है, रोजा क्या होता है, कैसे पढ़ा जाता है, व्हाट एंड हाउ, व्हाट एंड हाउ। लेकिन जो चीज अगली जनरेशन तक इस्लाम पहुंचाएगी ना, अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, क्या और कैसे से काम चल रहा था, अब नहीं चलेगा, अब मैं आपको बता रहा हूं नहीं चलेगा। जो बच्चे अब इस जनरेशन में बढ़ रहे हैं ना, उनके जहन में क्या और कैसे की इतनी फिक्र नहीं है, उनके असल जहन में सवाल क्या है, क्यों नमाज पढ़ो, क्यों पढ़ूं, कुरान पढ़ो, क्यों पढ़ूं, क्या फायदा उसका, क्यों पढ़ना चाहिए मुझे। अगर वो बदतमीजी से पूछेगा भी नहीं ना, उसके जहन में ये सवाल होगा। और असल चीज जो इस्लाम जिसको जो जिस पर हावी होता है ना, वो जिस्म नहीं होता, वो जहन होता है, दिल होता है। तो हमें अब क्यों की तरफ आना पड़ेगा, और कुरान में क्यों का जवाब है। अगर आप खुद नहीं पढ़ोगे ना, खुद नहीं सीखोगे कि इस क्यों का जवाब कुरान ने कैसे दिया है, कैसे ऐसी शख्सियत को प्रिपेयर किया है जो किसी भी सोसाइटी में चली जाए, किसी भी एज में चली जाए, किसी भी फितने से उसका सामना हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आप देखें आजकल जो ट्रेंड है ऑनलाइन, लोग कह रहे हैं अब इस ट्रेंड का हम कैसे जवाब दें, 10 साल बाद एक और ट्रेंड होगा ना, फिर आप कहोगे अब उस ट्रेंड का क्या जवाब दें, फिर उसके बाद एक और ट्रेंड आएगा, आप कहोगे उसका क्या जवाब दें। आप यही करते रहोगे ना, तो आपको एक बात समझ नहीं आ रही, इस्लाम हर चीज़ का रिएक्शन नहीं देता। इस्लाम एक ऐसा पौधा दिमाग के अंदर डालता है जो दरख्त बन जाता है, आंधी इधर से आए या उधर से आए या इधर से आए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खड़ा रहता है। तो वो चीज़ अब हमें तैयार करनी पड़ेगी कुरान की बुनियाद पर, अकली बुनियाद पर एक फाउंडेशन बनानी पड़ेगी हमें। हम बच्चे मुझे आके कहते हैं, यंग लोग आके कहते हैं मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। क्या मतलब है कुरान पढ़ रहा हूँ, हिफ्ज़ कर रहा हूँ। हिफ्ज़ कुरान थोड़ी है, वो तो आप याद करना सीख रहे हो। जो कुरान पढ़ रहा होता है ना, उसकी सोच बदल रही होती है, वो बाकी तमाम चीज़ों का सामना करता है। हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम हमें इसलिए कहा जाता है कि वो अपनी सोसाइटी में गए, जो लोग फॉलो कर रहे थे वो कहते हैं ये तुम क्यों कर रहे हो, ये तुम क्यों कर रहे हो, ये कैसे कर रहे हो, वो सवाल पूछा करते थे, इन्वेस्टिगेट किया करते थे। अब हमें सवाल पूछने से मना कर दिया गया है। बच्चा अगर स्कूल में सवाल पूछता है तो कहते हैं जो लिखा है वो पढ़ो, रट्टे को हमने जो है वो कामयाबी बना दिया है, आगे से पूछने को मना कर दिया। बल्कि हमने तो हर फील्ड में ये कर दिया, यहाँ तक कि मुझे एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने बताया कि एक स्टूडेंट जो है वो नई AI में काम करना चाह रही थी, तो उसके प्रोफेसर ने आके उसे रोक दिया, ये नहीं करो बेटा कंफ्यूज हो जाओगी। आप हर फील्ड में इंक्वायरी को रोक रहे हो, इस्लाम में भी रोक रहे हो, तो आगे क्या होने वाला है। जो कौम आगे बढ़ती है ना, वो सवाल पूछती है, उसको सवाल पूछने से डर नहीं लगता और सवाल के जवाब से डर नहीं लगता। हमारे दीन में इतनी कुवत है, हमारे कुरान में इतनी पावर है कि वो हर सवाल का जवाब दे सकता है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये नहीं करोगे ना, तो आपको हमेशा माहौल का डर लगता रहेगा, सोसाइटी बदल रही है अब क्या करें,
अब उनको स्कूल में डालेंगे तो बुरा माहौल आ जाएगा, अब मेरे बच्चा जो है वो लंदन जा रहा है तालीम के लिए, वहाँ दूसरा माहौल है, अब क्या करूँ मैं, वहाँ पे क्या करूँ। देखें, जो फितने वहाँ हैं ना वही फितने यहाँ हैं, कोई फ़र्क नहीं है, बस यहाँ बच्चे छुपाने में ज़्यादा माहिर हो गए हैं, बस इतनी सी बात है, वरना कोई फ़र्क नहीं है। मैंने दुनिया देखी है, हर जगह एक ही ड्रामा चल रहा है, एक ही सीन है हर जगह। तो ये सोचना ना कि किसी तरह आप अपने बच्चों को जो है वो हिफाजत कर रहे हो, उनके ईमान की हिफाजत कर रहे हो, ईमान की हिफाजत सिर्फ ये अकल कर सकती है, वालदैन नहीं कर सकते। तो अब हमें अपने आप को एजुकेट करना है, अपने बच्चों को एजुकेट करना है, और कुरान का जो असल किरदार है उसको वापस अपनी सोसाइटी में लाना है, इंशाल्लाह।